हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखें कैसे हम यूट्यूब क्रिएटर के बेटा वर्जन के अंदर फोन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, चैनल को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं, कैसे उसकी डिफॉल्ट सेटिंग को हम सेट कर सकते हैं। ये काम पहले हम जो यूट्यूब क्रिएटर का जो क्लासिक वर्जन था उसके ऊपर करते थे, अब हम देखें कैसे उसको बेटा वर्जन के ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्राउजर पर जाता हूँ। यहाँ देखिए यूट्यूब का मेरा इंटरफेस ओपन है पहले से। या ई आइकन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए YouTube स्टूडियो है, इस पर क्लिक करते हैं। इसके डैशबोर्ड, चैनल के डैशबोर्ड के ऊपर पहुँच जाएंगे हम। ये देखिए गाइस, अब ये देखिए हम चैनल का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा रहा है सेटिंग। यहाँ पे पहले आता था कि YouTube क्रिएटर क्लासिक वर्जन, तो अभी वो नहीं आ रहा। तो अब हम इस पर सेटिंग से जाके हम वेरीफिकेशन सारा काम करेंगे अपना। तो मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए ये जनरल है, डिफॉल्ट यूनिट्स को ऐसे रहने दिए। अभी चैनल में चलते हैं। तो चैनल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए मेरा चैनल का नेम आ गया टेक भाई नाम से। अगर आप उसको एडिट करना है चैनल नेम को, तो अब इस गूगल अकाउंट है, इस पर क्लिक करें और चैनल को ऐड कर लें वहाँ जाके। यहाँ देखिए गाइस नीचे देखिए कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इस पर क्लिक करिए और आप यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप कंट्री सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने कंट्री सेलेक्ट कर ली है। यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज चैनल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू टैब ओपन होगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर अपने चैनल को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चैनल आर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे उसके ऊपर जो सोशल लिंक्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं, यहाँ पे। तो इसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगा। तो अभी वापस मैं चैनल डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए अगला है ऑप्शन एडवांस सेटिंग का। यहाँ पूछ रहा है ऑडियंस, पूछ रहा है आपकी कि आपकी ऑडियंस कौन, किड्स के लिए है या बड़ों के लिए है। तो अभी मैं इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा रहा है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। अगर आपको गूगल एड्स का अकाउंट जो है यहाँ लिंक करना है, तो आप इस लिंक अकाउंट पर क्लिक करें, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए नीचे का लिखा रहा है सब्सक्राइबर अकाउंट, आपको डिस्प्ले कराना है चैनल के ऊपर, ये जो अपने सब्सक्राइबर हैं आपके वो डिस्प्ले कराने हैं चैनल के ऊपर या नहीं। अगर आपको नहीं कराने तो उसको अनक्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए बहुत सारी और भी चैनल सेटिंग्स हैं, उनके बारे में बाद में बात करें। अभी हम बेसिक जो है जब स्टार्ट करते हैं चैनल, तो वो बेसिक कैसे सेटिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं वो देख रहे हैं हम अभी। तो यहाँ जब हम जाएंगे, ये ब्रांडिंग का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आप जो है आपने देखा होगा बहुत सारी जो वीडियोस हैं उनके ऊपर यहाँ पर ब्रांडिंग लोगो रखा रहता है कि चैनल का या सब्सक्राइब का, जिससे कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पर जो इमेज जो है PNG होनी चाहिए या GIF फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका साइज जो है 150 150 पिक्सल होना चाहिए और उसकी 1 MB होनी चाहिए, लेस देन 1 MB। तो अब मैं भी इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मैं भी इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने गाइस इमेज सेलेक्ट कर ली। यहाँ पूछ रहा है आपको डिस्प्ले कैसे कराना है, इसको वीडियो के एंड में कराना है, ये कस्टमाइज करना है स्टार्ट टाइम या एंटायर वीडियो पे। मैं भी एंटायर वीडियो पे कर देता हूँ उसको। अगर आपको रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, आपको रिप्लेस करनी है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं फीचर एलिजिबिलिटी के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ देखिए डिफॉल्ट फीचर ही इनेबल है और ये इसको हमें इनेबल करना है। ये पूछ रहा है कि फीचर दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन। हमेशा गाइज याद रखें, जब भी आप चैनल को क्रिएट करें सबसे पहले चैनल को वेरीफाई जरूर करें। तो अब कैसे कर सकते हैं इसको, हम यहाँ पे ये एरो दे रखा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ नीचे देखिए वेरीफाई फोन नंबर दे रखा है, अब इस पर क्लिक करें। अब न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ देखिए इसने कंट्री को सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको जो वेरीफाई करना है वो वॉइस मैसेज से करना है या टेक्स्ट मैसेज से। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट मी द वेरीफिकेशन कोड के ऊपर। यहाँ फ़ोन नंबर आप डालिए अपने, यहाँ फिर OTP आएगा, उसको सबमिट कर दीजिए, तो आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। फिर वापस आप ये काम करने के बाद में वापस यहाँ पर चैनल डैशबोर्ड पर आना, यहाँ पर सारी सेटिंग को यहाँ पर सेव कर देना। तो यही है गाइस, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए बताइए कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।